खबर नागदा से है। यहाँ भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह यादव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संजीव सिंह, राष्ट्रीय सचिव शिवम तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील विक्रम सिंह के नेतृत्व में तहसील अध्यक्ष जीवनलाल चायवाले के निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में भरूच में जैन साधुओं पर हुई घटना की घोर निंदा की गई, साथ ही अन्य विषयों पर भी गंभीर चर्चा की गई। बैठक में संगठन में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। वहीं नवनियुक्त पदाधिकारी मनोज सावरिया को उज्जैन जिलाध्यक्ष व प्रमोद जैन को नागदा शहर अध्यक्ष की नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उनका फूलमाला से स्वागत किया गया। इस दौरान संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी ने संगठन की जानकारी देते हुए संगठन में कैसे कार्य करना आदि की भी जानकारी दी। आयोजन में मध्य प्रदेश सदस्य मनीष गुप्ता, इंदौर जिला सचिव आस्था जैन, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, पत्रकार नीलेश मेहता, सुरेंद्र काकरिया, दीपक दलाल, मनीष ओरा, सुमित जैन, सुनील पटवारी, महेंद्र जैन नाना, प्रदीप शाह, मनोज सोनी आदि उपस्थित थे। नागदा से जीवनलाल जैन की रिपोर्ट। 27 मई को कुछ हमारे जैन साधुओं के साथ कुछ घटनाएं हुई है। गुजरात भरूच में जैन साधु अपने विहार पे थी और पीछे कोई असामाजिक तत्व के लोगों ने उनके साथ छेड़खानी करी और उनका धक्का मुक्की देके बेल्ट से पिटाई करी, जिसके संबंध में भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट ने भी गुजरात मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जय जिनेन्द्र। भरूच में हुई जैन साधुओं के साथ मारपीट व छेड़छाड़ की घटनाओं की सभी लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ऐसी घटनाओं पर शासन व प्रशासन को दोषी ठहराने से पहले जैन समाज यह निर्णय करे कि वह उनके क्षेत्र में आए साधु साध्वी भगवंतों को उनके अगले पड़ाव तक सुरक्षित विहार करवाएं, क्योंकि हम व श्री संघ साधु साध्वी भगवंतों के अम्मा पिया हैं। शासन व प्रशासन को भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हम सभी अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहते हैं। अगर हमारे घर को कोई तोड़े या उस पर कोई आंच भी आए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारे घर में रहने वाली महिला या पुरुषों का कोई अपमान करे या उनसे कोई अभद्रता करे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जैन धर्म पे अगर कोई आंच आएगी या हमारे धर्म गुरुओं पर कोई आंच आएगी तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि यदि धर्म नहीं रहेगा, हमारे धर्म गुरु सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? हम सुरक्षित नहीं रह सकते। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उत्तराखंड में एक बेरोजगार यूट्यूबर ने हमारे जैन मुनियों का, हमारे गुरुओं का अपमान किया, उनके साथ अभद्रता की? हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि भरूच देरोल पर जो जैन साध्वी जा रही थी, एक व्यक्ति द्वारा उनसे छेड़खानी की गई, उनके साथ अभद्रता की गई? हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उज्जैन में 500 वर्ष से भी प्राचीन जैन मंदिर के प्रांगण को तोड़ा जा रहा है? ये सब भी हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने घरों में सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं और अपने परिवार को सिर्फ सुरक्षित देखना चाहते हैं तो हम किस विचारधारा के हैं, ये हम खुद सोच सकते हैं और ये आप सोच सकते हैं। तो इस विचारधारा को छोड़िए और तोड़िए और सामने आइए। हर जैन व्यक्ति को, हर जैन परिवार को और परिवार के प्रत्येक सदस्य को हमें जगाना होगा। जैन धर्म, जैन तीर्थों पर, जैन साधु साध्वियों पर ये जो आफतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और आती जा रही हैं, इन सब को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने होंगे और अपने परिवार से निवेदन करना होगा कि वो कठोर से कठोर कार्यवाही के लिए इन लोगों पर कानूनी कार्यवाही हो। जो लोग ऐसा कर रहे हैं इसके विरोध में वो आवाज़ उठाएं, पत्र लिखें, सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि को पत्र लिखकर ये बताएं कि जैन धर्म के साथ, जैन धर्म के गुरुओं के साथ और जैन लोगों के साथ, जैन तीर्थों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। जागिए इससे पहले कि देर हो जाए और दिन पे दिन ये घटनाएं बढ़ती जाए। उसके पहले ऐसा करने वाले बेरोजगार यूट्यूबरों के खिलाफ, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो साध्वियों के साथ छेड़खानी करते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो जैन तीर्थों पर बुरी नजर रखते हैं, उनको सबक सिखाइए। अगर आज हमने सबक नहीं सिखाया तो ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। इसलिए हम सभी को एकजुट होकर आगे आना है।
चाहे वो किसी भी परंपरा को मानने वाला व्यक्ति हो, किसी भी आमनाय को मानने वाला व्यक्ति हो, यदि आप जैन हैं तो आपको अपने पूरे परिवार के साथ इन सब चीजों के विरोध के लिए आगे आना होगा और अपने घर से ही इस आवाज को मुखर करना होगा और दूर तक लोगों तक पहुंचाना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति जैन धर्म पे आंख उठाने के पहले हजार बार सोचे, जैन धर्म के बारे में कुछ बुरा बोलने से पहले हजार बार सोचे, जैन धर्म के गुरुओं का अपमान करने से पहले हजार बार सोचे, और हजार बार सोचने के बाद भी वो कभी भी अपमान करने का मन में ख्याल तक ना लाए। इससे पहले कि देर हो जाए, जागिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर इंदु जैन आपसे पुनः निवेदन करती हूं कि आप जाग जाइए और अपने जैन धर्म की सुरक्षा के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताजा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपके ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।